हरदा जिले के खिरकिया में भी शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कई जगह सम्मान समारोह आयोजित किए गए। महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं ने अपने विचार कुछ इस तरह से व्यक्त किए। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चूंकि मैं चिकित्सक हूं, तो चिकित्सक होने के नाते मैं यही कहूंगी कि महिलाएं खास करके अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि वो काफ़ी जिम्मेदारियों से घिरी रहती है। वो अपने पूरे जीवन काल में महिलाएं कई तरह की भूमिका निभाती है, बेटी बनकर, पत्नी बनकर, बहू बनकर, सास बनकर, अलग अलग तरह की जिम्मेदारियाँ वो निभाती है। खास करके जैसे जब महिला गर्भवती होती है तो वो एक नए जीव को जन्म देने वाली होती है। इस समय मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि वो महिला का विशेष ध्यान रखा जाए जो गर्भवती है, अस्पताल में उसको समय समय से जांच करवाई जाए, इसके अलावा उसके पोषण का, उसके स्वास्थ्य का, उसके इलाज का पूरी तरह से ध्यान दिया जाए, क्योंकि वो महिला एक संसार को एक अच्छा शिशु दे सके। इसके साथ ही जो महिलाएँ हैं या बालिकाएँ हैं, उनमें एक आम समस्या पाई जाती है एनीमिया की। जो हम लोग जानते हैं, बट वो लोग जो कहती हैं कि हाँ कमजोरी लग रही है, थकान लग रही है, आम समस्या होती है हर महिला की। तो इस पर विशेष ध्यान दिया जाए कि स्कूलों में भी जो आयरन सप्लीमेंट्स दिया जा रहा है वो दिया जाए, साथ ही हरे पत्तेदार सब्जी, अनार, सेव फल, इस तरह की जो खून बढ़ाने वाली चीज़ें हैं उन लोगों को दी जाए। हमारे देश की सारी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं महिलाओं को इस, चूँकि मैं एडवोकेट हूँ और मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को अपने अधिकारों की पूरी जानकारी होना चाहिए, महिलाओं को जागरूक होना चाहिए अपने अधिकारों के प्रति। उनके साथ जो महिलाओं को, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जिनके साथ कुछ भी गलत होता है और वो अपराध होते हैं और वो इसकी पूरी जानकारी दे नहीं पाते, अपने हक के लिए लड़ नहीं पाती। मेरा उसमें महिलाओं से एक ही संदेश है कि वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाए, अपराधों के खिलाफ जाए। अपराधों का सहना सबसे बड़ा अपराध है, इसलिए वो अपराध को, अपराधियों तक पहुँचे और उनको उसकी सजा तक पहुँचाना चाहिए। वर्तमान परिवेश में महिलाओं को नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हर क्षेत्र में महिलाएँ आगे हैं और उन चुनौतियों का भली भांति वो सामना कर रही हैं और बेहतर से बेहतर परिणाम दे रही हैं। आगे भी हम किसी भी चुनौती को सामना करने के लिए हम लोग तैयार हैं। हरदा से दोपहर न्यूज़ के लिए सुनील मालाकार की रिपोर्ट।